क्या सांबर बनाना आपको भी झंझट लगता है? अगर आप इस तरह से सांबर बनाएंगे तो आपको झंझट नहीं रहेगा और आप तुरंत सांबर बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे और आपका इडली सांबर खाने का ही मन करेगा। तो किस तरह से, ये हमने लौकी ली है, दाल ली है, जो हमारे घर में पड़ा था हमने वही चीज़ इसमें ली है, और ये शिमला मिर्च और टमाटर, तो मोस्टली ये सारी चीज़ें तो घर में मिल ही जाती हैं। तो इसका हम सांभर बनाएंगे और वो भी किस तरह से, तो दिखाएंगे इस वीडियो में। और मोस्टली लोग करते हैं कि पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद तड़का लगाते हैं, तो हम साथ के साथ तड़का लगाएंगे और साथ के साथ ही पूरी सांभर रेडी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सांभर बनाना। तो यहाँ हमने कुकर में तेल डाल लिया है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि लाल मिर्ची, साबुत और जीरा, राई और तेजपत्ता। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये अब हम इसमें ये भूनने के लिए डालते हैं। हमारे खड़े मसाले भून चुके हैं, अब इसमें टमाटर और अब इसी के साथ इसमें नमक डालेंगे। हमने दो चम्मच नमक डाला है और नमक डाल के अच्छे से चला लेंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची, फिर से चला देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे सब्जी मसाला, इसके बाद चला देंगे सब्जी। तो यहाँ हमारे टमाटर भून चुके, अब इसी के साथ हम डालेंगे सांबर का मसाला। सांबर का मसाला डाल के चला लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी अच्छे से पका लेंगे। चलाते हुए इस तरह से मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च और टमाटर को, दोनों को अच्छे से। अब इसी के साथ हम लौकी डालेंगे। लौकी डालने के बाद जो हमने दाल की अरहर की वो उसमें डालेंगे। इसमें उतना ही पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने करीबन 2 गिलास पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें चमचा नहीं डालेंगे चलाने के लिए, अगर चमचा डालेंगे तो दाल अच्छे से गलेगी नहीं। अगर आप जब भी सांभर बनाएं तो पानी डालने के बाद चमचा ना चलाएं, ये बन जाए उसके बाद ही चमचा चलाएं। तो यहाँ हम कुकर का ढक्कन लगा कर और इसको सीटी आने तक छोड़ देते हैं। कम से कम 3 सीटी हमें लेनी है। तो यहाँ हमारी सीटी आ चुकी है, अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल ये झटपट वाली सांभर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, और ना उबालने का झंझट ना छौंका लगाने का झंझट, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, अगर आप सब्जी को मतलब थोड़ा फोड़ना चाहते हैं तो आप फोड़ सकते हैं, अगर खड़ी रखना चाहते हैं सब्जी को तो आप खड़े करके ये खड़ी सब्जी रख सकते हैं। अब हम सांभर में डालेंगे आमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्का सांबर का मसाला। अब इसको डालकर चला देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी सांबर, जो कि बनकर रेडी हो चुकी है। इडली बनाने के लिए पहले हम इस तरह से इसकी टिक्कियां बनाकर रख लेते हैं आलू की। हम सैंडविच इडली बना रहे हैं आज, तो इस तरह से ये हम आलू की टिक्कियां बनाकर रख लेंगे। इडली बनाने के लिए हम इडली की पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम आलू को अच्छे से फोड़ लेते हैं। अब इसी के साथ इसमें लाल मिर्ची,
और नमक और चाट का मसाला अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सभी मसालों को जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं परांठों की, इसी तरह से हम आलू की टिक्की बनाकर बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, आलू की टिक्की हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। इडली बनाने के लिए हम तड़का लगा लेंगे इडली में। तो और तड़का लगाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच घी डालेंगे इसमें और इसी के साथ राई डालेंगे। ये इस पेस्ट के अंदर राई को डाल देंगे और अच्छे से राई को चला लेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे राई को। इससे इडली बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा इनो डालेंगे और इनो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे इस पेस्ट का डोसा बनाएं, आप चाहे इस पेस्ट की इडली बनाएं। तो हम यहाँ इडली बना रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं इस पेस्ट से किस तरह से हमें इडली बनानी है। इडली बनाने के लिए पहले हम इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बनाकर रख लेते हैं आलू की। हम सैंडविच इडली बना रहे हैं आज, तो इस तरह से ये हम आलू की टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। तो ये सारी टिक्कियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी इडली किस तरह से बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं इस वीडियो में। सैंडविच इडली बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने के बाद ये पिट्ठी लगाएंगे और उसके बाद ऊपर से सूजी और डाल देंगे इस तरह से। अब इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने स्टीमर ऑलरेडी रख ही दिया है, तो यहाँ स्टीम होने के लिए इडली रख देंगे। इसी तरह से हम सारी इडली तैयार कर लेंगे और ये इडली आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। खाने में टेस्टी लगती है और बनती भी बहुत ही आसानी से है। तो है ना ये बिल्कुल यूनिक तरीका इडली बनाने का। हम लेकर आए हैं सैंडविच इडली बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नए तरीके की। अगर आप एक बार इस तरह से इडली बनाएंगे तो आपका भी बार बार इस तरह से इडली बनाने का मन करेगा। और आप ऊपर से जब भी सूजी डालें उसके बाद हल्का सा इस तरह से हिला लें, जिससे कि ये जो स्पेस है वो उसमें सूजी मिल जाएगी और ये अच्छे से शेप आ जाएगी इडली की। इसको भी स्टीम करने के लिए रख देते हैं और ढक्कन को लगा देते हैं। और ये 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएंगी इडली। अब इसमें लास्ट में डाल लेते हैं कटा हुआ बारीक धनिया। धनिया डालकर सांभर को चला लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमारी सांभर तो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, वो भी झटपट वाली। ना छौंकने का झंझट, ना उबालने का झंझट, बस एक ही बार में ये हमने सांभर बनाकर रख दी है। अब आपको इडली दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कितनी फूली फूली इडली बनी है। ये अभी हल्की सी और स्टीम कर देते हैं, नहीं तो ये कच्ची सी रह जाएगी।